नमस्कार दोस्तों, इस वीडियो में जिस स्टॉक के बारे में हम बात करने वाले हैं उसका नाम है इंडियन ऑयल कॉरपोरेशन लिमिटेड, जिसको हम IOC के नाम से भी जानते हैं। ये स्टॉक 189 के प्राइस पे ट्रेड कर रहा है एंड आज इसने मार्केट में 0.13% का अपमूव दिया है। मार्केट कैप हो गया इसकी 2,66,538 करोड़ की। प्रमोटर होल्डिंग है 51.50% की। फेस वैल्यू 10 है, हो सकता है आने वाले टाइम में स्प्लिट दिखे। बुक वैल्यू है 118। सो बेसिकली ये जो है स्टॉक इंडियन ऑयल को कौन नहीं जानता, एंड ये करती है इंडियन गवर्नमेंट कंट्रोल, इस कंट्रोल इसको गवर्नमेंट ऑफ इंडिया कंट्रोल करती है इस स्टॉक को, ठीक है, इस कंपनी को जो कंट्रोल करती है बेसिकली। इसकी फंडामेंटल वीडियो मैं ऑलरेडी बना चुकी हूँ, प्लेलिस्ट में ऐड कर दूंगी। वेरी फर्स्ट वीडियो जो है उसमें फंडामेंटल एक्सप्लेन किए हैं। अभी ऊपर ऊपर से देख लेते हैं तो ये स्टॉक जो है 50 और 200 EMA से ऊपर ट्रेड करा है, जो कि काफी अच्छी बात है। पीई रेशियो जो है इसका मीडियम से नीचे है, अगेन एक बहुत अच्छा प्लस पॉइंट है। सेल्स एंड मार्जिन की बात करें तो देखिए ग्रॉस प्रॉफिट मार्जिन थोड़ा सा गड़बड़ाया हुआ है, सेल थोड़ी सी नीचे हो गई थी, अभी ये कमबैक करने की कोशिश कर रहा है। जैसे कि आपको पता है मार्केट में ईवी व्हीकल चल रहे हैं एंड एवरीथिंग, तो थोड़ा इतना कुछ अभी इन नहीं हुए हैं, मतलब अभी आ रहा है, उनका क्रेज आ रहा है, पर थोड़ा बहुत फर्क पड़ ही जाता है ऑफकोर्स उन सब चीज़ों का। बट सिर्फ उसी चीज में ये कंपनी डील नहीं करती है, और भी बहुत सारे सेक्टर्स हैं जिसमें डील करती है, करती ऑयल में ही है, पर ऑयल में बड़ी सारी चीजें होती हैं जिनमें ये डील करती है, तो इतना कुछ फर्क इसका पड़ेगा नहीं, ठीक है। तो अभी चलते हैं हम चार्ट पे। चार्ट पे देखिए, हमने जो न्यू है उनको मैं बता दूं कि हमने यहाँ पे एक इंडिकेटर लगाया है रेंज का, एंड ऑसिलेटर लगाया है हमने RSI का। सो RSI इस टाइम 70.63 के पे ट्रेड कर रही है, एंड कल हमने वीडियो में बात करी थी कि देखिए यहाँ पे इसने यहाँ पे डॉजी बनाया है, एंड वॉल्यूम जो है इसका काफ़ी ड्राई अप हो गया था मंडे को। तो हमने ये बात करी थी कि देखिए जब डॉजी बनता है तो ज़रूरी नहीं होता कि अगली कैंडल, अगर रेड डॉजी बनाए तो रेड ही कैंडल बने नेक्स्ट नीचे ही जाए, एंड ग्रीन डॉजी बने तो ग्रीन ही ऊपर कैंडल बने और ऊपर ही जाए। तो ये बट डॉजी के बाद की कैंडल काफ़ी यू नो इम्पॉर्टेंट होती है। सो आज जो वॉल्यूम आया है, कल वॉल्यूम आया था 30 मिलियन का, एंड आज जो वॉल्यूम आया है वो आया है 34-35 मिलियन के आसपास। यहाँ पे थोड़ा कम दिखाता है तो 40 मिलियन के आसपास, मतलब 4 करोड़ के आसपास का हम वॉल्यूम लेके चलते हैं। आप अगर एग्जैक्ट वॉल्यूम जानना चाहते हैं आप मनी कंट्रोल पे भी एक बार देख सकते हैं, उस पर दिखाता है सही सही। सो अभी बात करें तो देखिए मार्केट में इसने बहुत छोटू सा मूव दिया है, एंड RSI जो है उसमें भी कुछ खासा फर्क नहीं पड़ा है। देखिए यहाँ पे इसकी ना एक रेजिस्टेंस है, एंड हमने कल भी बात करी थी कि ये बहुत जरूरी चीज है हमें देखने के लिए, कि जैसे इस रेजिस्टेंस को ब्रेक करता है ना, वैसे हम काफी अच्छे मूव यहाँ से देख सकते हैं, ठीक है। तो अभी रेजिस्टेंस पे ट्रेड कर रहा है, एंड जिस तरीके का वॉल्यूम आज बढ़ा है, उम्मीद करती हूँ कि कल वॉल्यूम ऐसा ही रहे, ऐसे ज्यादा रहे, एंड ये अप मूव दे जाए। पर अप मूव का देखिए मैं यहाँ पे ये भी लेके चलूंगी, क्योंकि कोई अभी न्यूज के ऊपर एक नजर मार लेते हैं। तो 10% का इसका बैंड है, एंड न्यूज अभी तक कोई भी नहीं है। तो देखिए कोई ऐसी एसच वो बड़ी बात नहीं हुई है कि जो एकदम से अप मूव दे जाए, ठीक है। सो अगर कल वॉल्यूम अच्छा आता है तो उम्मीद करती हूँ कि ऊपर के इसके मूव देखे जा सकते हैं। पर देखिए ये अभी ना और जो ऑल टाइम हाई की रेजिस्टेंस है इसकी, उसी पे ट्रेड करा है, एंड वहीं से ये रिजेक्शन लेगा। तो मुझे लगता है थोड़ा सा देखिए अभी के लिए तो ये यहीं से रिजेक्शन ले रहा है, ठीक है। जो ये पुरानी इसकी रेजिस्टेंस है, ये वाली और ये वाली जो रेजिस्टेंस है, इसी से रिजेक्शन ले रहा है, एंड यहाँ पे दो तीन यहाँ से ये रिजेक्शन ले सकता है, यहाँ से ये रिजेक्शन ले सकता है। तो मैं यहाँ पे शॉर्ट टर्म की एंट्री के लिए तो बस इतना बोलूंगी कि लॉन्ग टर्म की एंट्री अगर बनाना चाहते हैं, अगर मैं यहाँ पे होती तो लॉन्ग टर्म के लिए आई थिंक मैं सोचती थोड़ा सा, क्योंकि RSI उस लेवल पे है, वैसे तो 70 पे है, पर RSI कितना ही मूव कर जाएगी। अगर 220 के टारगेट की मैं उम्मीद करूं कि 220 के आसपास के हम टारगेट देख सकते हैं, तो 220 के टारगेट देखने के लिए हमें यहां से लगभग लगभग 15-16-17% की उम्मीद होती है, एंड 17% की RSI अगर मूव करेगी उसके बाद धड़ाम से RSI को नीचे करना पड़ेगा, क्योंकि वो करेक्शन देगी देगी। एंड यहाँ पे आप देख सकते हैं कि ये पहले ही कितने अच्छे मूव दे चुका है, तो कायदे से देखा जाए तो यहाँ पे इसका सेटल होना थोड़ा सा बनता भी है। सो अभी के लिए शॉर्ट टर्म एंड लॉन्ग टर्म एंट्री के लिए मैं यहाँ पे होती तो मैं बिल्कुल भी नहीं बनाती, मैं थोड़ा सा इसका कैंडल का वेट करती। जब ये वाली रेजिस्टेंस ये क्रॉस कर लेगा, इससे पहले भी इसको रेजिस्टेंस आती रहेगी, पर जब यहाँ से ये क्रॉस कर लेता है 195 के आसपास से ये क्रॉस कर लेता है, तब मैं शॉर्ट टर्म लॉन्ग टर्म दोनों के लिए एंट्री की उम्मीद कर सकती हूँ, कि मैं तब एंट्री बनाती। बाकी यहाँ पे बाई सेल होल्ड की कोई रिकमेंडेशन नहीं, आप अपनी एनालिसिस कीजिए, जानिए समझिए पढ़िए और फिर इन्वेस्ट करिए, ठीक है। तो अभी के लिए एनालिसिस में इतना ही, बाकी मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए शुक्रिया एंड हैप्पी इन्वेस्टिंग।